अभी हम लोग आप देख रहे होंगे हमारे पीछे सभ्यता द्वार है और अभी हम लोग आपको ये सभ्यता द्वार दिखाने वाले हैं। ये जस्ट गांधी मैदान के अपोजिट है पटना में। ये पीछे जो देख रहे हैं ये पूरा गांधी चिल्ड्रंस पार्क है। चिल्ड्रंस पार्क के साइड में लेफ्ट साइड वहाँ पे आपको गांधी मैदान दिखेगा, उस साइड में गांधी मैदान दिख रहा होगा। और ये चिल्ड्रन पार्क है, यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए बच्चों के लिए झूला वूला ये सब है, जॉगिंग करते हैं, सुबह सुबह आते हैं। और हम लोग यहाँ से अभी सभ्यता द्वार घूमेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैम आपको आप कुछ बताइएगा सभ्यता द्वार के बारे में। हमारा YouTube चैनल है, ये YouTube पे आएगा। आप ये कब बना? ये कब बना ये सभ्यता द्वार के बारे में बताइए। सभ्यता द्वार मई में बना, पहले से चालू हुआ अक्टूबर या नवंबर में, अक्टूबर या नवंबर में ये चालू हुआ है। और यहाँ की खास बात क्या है सभ्यता द्वार? सभ्यता द्वार कैसा बनाया गया, जो पुरानी यादें ताज़ा हो गया, स्रोत से संबंधित है, जैसे सब कुछ है, वास्तव के शब्द है, अभी उसके किला पर लिखा हुआ है, उसका उसी बनावा था जो देखने में पुराना। ये गंगा तट के किनारे है सर? गंगा तट के किनारे है। कौन सा घाट है ये? घाट के ऊपर नहीं है, इसी के साथ में ब्रिज भी बना हुआ है, जो दीदार से दीदार तक। सभ्यता द्वार के सामने दीदारगंज तक आपको एक ब्रिज बन रहा है, जो कि 6 लेन ब्रिज होगा आई थिंक। और ये मेरे बगल में जो आप ये देख रहे हैं, ये कन्वेंशन सेंटर है अशोक कन्वेंशन, इनके बारे में कुछ बताइए। ज्ञान भवन और सम्राट अशोक के नाम पे ये बनाया गया ज्ञान भवन। और क्या खास बात है ज्ञान भवन में? ज्ञान भवन में इसमें जो है 3 तल्ला तक बिल्डिंग है, इसका हर फ्लोर पर हर तरह के जो है रूम रूम है। और जो इसमें लेकर मीसिंग हॉल भी है, जिसमें हर तरह का प्रोग्राम हुआ था। कल इसके CM आए थे नीतीश कुमार जी, उनके साथ और मंत्री भी आए थे, उनके द्वारा ही बनाया गया है, उनके द्वारा स्थापना की गई है। उन्होंने कल इसका पूरा तरह तक से देखा है और इसमें व्यवस्था इतना अच्छा नहीं है, इतना बढ़िया इसमें साफ सफाई बार 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 देश की कंपनियाँ आती है, लगाती है, उसके बारे में बताती है। कितना चेयर है यहाँ पर? हर रूम में अलग अलग, किसी में 200 है, किसी में 300 है, और मीसिंग हॉल में तो 1000 आदमी बैठने का व्यवस्था है। टोटल नंबर ऑफ चेयर उसमें कन्वेंशन हॉल में 1000 है एसिया, और इसके बाद छोटे से टुकड़े में जिसमें 200 से 300 का चेयर है। फ्री एंट्री मिल सकता है? जो जब तक मीटिंग होता है या कोई भी इसमें कार्यक्रम होता है तब तक वैसे अलाउड नहीं करता। मतलब कोई अगर चाहे, आप लोग समझ लीजिए इस बात को, अगर कोई चाहे कि सिर्फ फ्री में यहाँ के कन्वेंशन हॉल में घूमना, तो ये मुश्किल है, ये नामुमकिन है। आपको इसके लिए पास लेना पड़ेगा। नहीं, पास उसको से ले लूँगा, सिक्योरिटी रहता है, किसी तरह से अलाउ नहीं करेगा, ऑफर से ऑर्डर नहीं। अच्छा, तो मतलब जब कोई कार्यक्रम होगा आप वहाँ इनवाइटेड होंगे, कार्यक्रम में इनवाइटेड होंगे तभी आप इसमें जा सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ कन्वेंशन हॉल की, जो मेरे पीछे है, ठीक है। लेकिन मैं मेरे पास अभी पास नहीं है, इसलिए मैं अभी यहाँ से सभ्यता द्वार की तरफ चलूँगा, जो कि इधर ये रास्ता जो दिख रहा है ये इधर। हाय बोल दो भाई। हाय, मेरा फ्रेंड है, मेरा भाई भी है, ये सुमित व्लॉग पे जाएगा। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, आई बटन पे क्लिक करके और भी ज़्यादा वीडियोस को देख सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे सुमित व्लॉग पे, डिफरेंट डिफरेंट जगह के न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सब कुछ मिल सकते हैं। कृपया सब्सक्राइब करना कभी ना भूले। अभी मैं और भी आगे आपको दिखाता हूँ।